नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 5 अक्टूबर सोमवार। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते में हमने पूरे एग्री पैक के अंदर काफी मिला जुला ट्रेड आते हुए देखा। पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा एडिबल ऑयल पैक के अंदर सोयाबीन में मिला जुला ट्रेड था, जबकि मस्टर्ड में 1% की तेजी, कैस्टर में 0.5% की तेजी, सीपीओ और रिफाइंड सोया दोनों में ही हमने भारी बिकवाली आते हुए देखी, जहां सीपीओ में 2% के करीब की बिकवाली और रिफाइंड सोया ऑयल में 1% की बिकवाली थी। वहीं मसालों के अंदर भी बात करें तो हल्दी को लोअर लेवल से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, प्राइजेस 0.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। जीरे में भी हमने 0.25% की तेजी आते हुए देखी, जिस ढंग से पूरे हफ्ते में हमने देखा प्राइसर बना हुआ था जो 13,600 का लेवल तोड़ चुका था, बट लोअर लेवल पे हमने फिर से बाइंग आते हुए देखी और शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 0.25% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया 13,800 पे। वहीं अगर हम धनिया की बात करें, धनिया में जिस ढंग से हमने उम्मीद की थी ये 6500 का अच्छा सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर तोड़ता नहीं तो प्राइजेस फिर से खींचेगा और खिंचावट में हमने देखा शॉर्ट कवरिंग के चलते करीबन 3% की तेजी हमने धनिया के प्राइजेस में भी आते हुए देखी। वहीं गवार सीड और गवार गम की अगर बात करें तो दोनों ही काउंटर में 4% और 3% की तेजी हमने बढ़ते हुए देखी। फंडामेंटल इस बार काफी मजबूत है, कैरी और स्टॉक पर थोड़ी कमी आई है। एरिया अंडर कल्टीवेशन में हमने 40% तक का भी गिरावट सुनने में आई है। क्रॉप साइज हम बात करें तो करीबन 45 का एक एवरेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ जगह पे 55 बताया जा रहा है, कुछ जगह पे 40 बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि 45 से 48 का जो रेंज है वो इस बार की क्रॉप रहेगी, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस के सेंटीमेंट को इम्प्रूव करेगी। अब डिमांड जैसे जैसे इम्प्रूव होगी गवार में भी तेजी का रूप दिखने मिल जाएगा, बट की रेजिस्टेंस बने हुए हैं वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। वहीं मेंथा ऑयल की अगर बात करें प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो तीनों ही काउंटर में कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के में हमने 1% से ज्यादा की तेजी आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अराइवल जो आना चालू हुए उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा है, जिसके चलते सूखे की डिमांड ज्यादा है और इसलिए प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। साथ में कॉटन को इंटरनेशनल मार्केट का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिस ढंग से कॉटन 65 सेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम चने की बात करें 1.5% की तेजी के साथ प्राइजेस ने करीबन 5370 का लेवल छूते हुए 55-50 के ऊपर प्राइजेस जाते हुए दिखा, जो ओवरऑल कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अभी भी सीजनलिटी डिमांड चल रही है और सोइंग का डिले के चलते प्राइजेस में कंटिन्यू खिंचाव दिखाई दे रहा है। आज के सेशन की बात करें तो रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में हमने बड़ी गिरावट देखी है इंटरनेशनल में, उसी के लिहाजा आज हम रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में गिरावट देखेंगे। सीपीओ का बेच के चलना चाहिए, 750 के नीचे काउंटर वीक है, जो 740 तक का लेवल दिखा देगा। रिफाइंड सोया ऑयल में भी 900 के नीचे काउंटर वीक है, जो 870 तक का लेवल दिखा सकता है। सोयाबीन में हमने थर्सडे के दिन अच्छी तेजी देखी थी, आज के सेशन में हम प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, जो 3820 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं मस्टर्ड शॉर्ट टर्म में थोड़ा पुलबैक मिल जाए 5400 के करीब, वहां पे लेके चलेंगे, 5550 से लेके 5600 तक का लेवल ये हफ्ते में हम देख पाएंगे। वहीं कैस्टर 4200 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है, 4200 के करीब लेके चलिए, 4280 का टारगेट रहेगा। मसालों के अंदर भी आज दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, क्योंकि हमने थर्सडे के दिन जो शॉर्ट कवरिंग देखी है उसके चलते, बट लोअर लेवल से फिर से बाइंग इनिशिएट होते हुए दिखाई देगी। चने में ध्यान रखिए तेजी का रुख है, 5480 का अच्छा सपोर्ट, अगर 5500 का लेवल ब्रीच हो जाए तो 5580 के लिए चने को लेके चलिए। वहीं कॉटन सीड ऑयल के 1800 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 1850 से 1880 तक का भी लेवल दिखा सकता है। गवार सीड गवार गम थर्सडे की तेजी के बाद आज हमें लगता है प्राइसेस में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बट 4000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 4120 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। 6000 के ऊपर गवार गम सपोर्टिव है, जो 6200 का लेवल तोड़ने पे 6500 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें, कॉटन हमने पहले भी कहा था 18000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो करीबन 18400 तक का लेवल दिखा सकता है, तो बिल्कुल बाइंग करके ही चलना है। चार्ट के लिए अगर हम बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आने की बिल्कुल तैयार है गवार गम की। अगर 200 डे मूविंग एवरेज जो करीबन 6260 के ऊपर है, अगर ये तोड़ देगा तो 6500 तक का लेवल हम देख पाएंगे काउंटर साइडवे टू पॉजिटिव। आइस कॉटन की अगर बात करें ये भी इच्छिमिको के ऊपर आ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है 6650 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल के एक अवर्ली चार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं 1560 तक का लेवल दिखाने की उम्मीद है। तो ओवरऑल आज एग्री में मार्केट दिन के सेशन में सुस्त रहेगा, इवनिंग सेशन में हम फिर से एक तेजी देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी और करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।